देश में पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कई शहरों में इसका आंकड़ा 100 से पार हो चुका है। आज पेट्रोल डीजल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में रामदेव ने एक इंटरव्यू में मोदी जी से पेट्रोल डीजल पर लगे टैक्स को घटाकर राहत देने की गुजारिश की कि रॉ मटेरियल काफ़ी सस्ता है और उसके ऊपर टैक्सेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं। आपने कहा कि सच में ये कर की मार, उसको टैक्स टेररिज्म, आदरणीय मोदी जी ने भी एक अरसे में, एक ज़माने में कहा था। तो ये टैक्स टेररिज्म जितना कम होगा, कलयुग में करयुग है यद्यपि, तो सरकार को भी कर की ज़रूरत है, लेकिन वो भी इतना ही पैसा ले कि जो है लोग भी जिंदा रहें। बोले खून इतना ही निकालना चाहिए व्यक्ति के शरीर से जिससे कि आदमी को आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ना हो जाए। कि सरकार को ज़रूर ये जो डीजल पर, पेट्रोल पर, गैस पर जो कर लग रहा है उसको न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए, बढ़ाने के बजाय, जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिले, क्योंकि कोरोना में लोगों ने बहुत कुछ झेला है। इन सब के बीच में माना कि देश चलाने के लिए सरकार को कर चाहिए, टैक्स चाहिए, लेकिन लोग जिंदा भी रह सके उसके लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। ये वही रामदेव हैं जो 2014 में सरकार बनने से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के दावे कर रहे थे। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? लेकिन जब सरकार बन गई तो वे सरकार के बचाव में आ गए और कहने लगे कि मोदी जी को सरकार चलाने हैं और सबसे ज्यादा टैक्स उन्हें पेट्रोल डीजल से ही आता है। तेल के, डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन अब मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हूं, सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाएगी। एक चैनल पर बात करते समय जब बैंकर ने पेट्रोल डीजल के दामों पर सवाल किया तो वह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर देने लगे। पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे, इस बात को वह गोलमोल कर गए। पेट्रोल डीजल के दाम पर क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोगों को परेशान। आज गडकरी साहब ने बोला है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 2 साल का टारगेट उन्होंने रखा है, तो फिर तो बिना डीजल पेट्रोल के चल जाएगा काम। और जहाँ तक हो सके, जैसे मैं सुबह 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, तो जो आस पड़ोस के जो अपने ऑफिस है ना, लोग साइकिल वाला ट्रेंड शुरू कर दे, इसे हेल्दी भी रहेंगे। आखिरकार अब जाकर वे मोदी जी को टैक्स कम करने को कह रहे हैं। आप बाबा रामदेव के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।